हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करते हैं पैसिव वॉइस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम बताते हैं इसको कैसे आप ईजी से ईजी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी टेंस का मुझे पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस वन, इट मीन्स हमें हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे की लगानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग मुझे पुटअप करनी होगी पास्ट कंटिन्यूअस की, वॉज वर्ब प्लस मेनोड की तरफ। बट कंटिन्यूअस में जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इनका अगर मुझे पैसिव बनाना होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम एक टेंस आगे की नहीं यूज करने वाले हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगानी होगी और हमें बींग जोड़ना होगा। तो दोस्तों, इसको बहुत ईजी से समझ सकते हैं, बहुत ईजीली ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हो तो वहाँ हमें बींग लगाना होता है। तो दोस्तों, समझते हैं इसका, पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इसको हम और ईजी कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस मुझे बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर, दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, मुझे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करना होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करना होगा। वॉज वर्ब के बाद में मुझे बींग यूज करना होगा, बींग के बाद में मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना होगा मेन वर्ब में, और उसके बाद में यूज करना होगा अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या तो वर होगा, सिंगुलर के साथ मुझे वॉज यूज करना होगा, एंड विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी विल यूज वर, इसके बाद मुझे बींग यूज करना होगा, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों, आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी है, क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी है और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बींग फिक्स है, बींग तो लगना ही लगना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा लिखा हुआ है, किरण वाज ट्राइंग टू अर्न 2 लाख रुपीज। अब सबसे पहले जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगा, उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब पुट अप करनी होगी, उसके बाद में बींग यूज करना होगा, ट्राई लिखा है जो मेन वर्ब है उसका मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, इसके बाद में बाय, और जो यहाँ का सब्जेक्ट है उसे मुझे पीछे करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इन एग्जाम्पल्स के बाद में हम बात करते हैं निगेटिव, और निगेटिव के बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, किरण वाज ट्राइंग टू अर्न 2 लाख रुपीज। यहाँ 2 लाख रुपीज है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई हैव अ ट्रिक। मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में अगर कोई भी चीज रखी है, कोई वर्ड रखा है, तो आप उसको 90% ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यहाँ क्या है, अर्न, मेरा मेन वर्ब है टू अर्न, और इसके बाद में क्या है, 2 लाख रुपीज, यही मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा 2 लाख रुपीज। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है, इसको हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ की बात हो रही है, ये एक अमाउंट है, और जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं वो मेरा सिंगुलर होता है, रिमेंबर इट। जब हम कभी अमाउंट की बात करते हैं वो मेरा हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए हमने यूज किया वॉज। वॉज के बाद में मुझे यहाँ यूज करना होगा बींग, वॉज बींग, और बींग के बाद में मुझे यूज करना होगा ट्राई का तरफ, ट्राइड, ट्राइड टू अर्न, ट्राइड टू अर्न। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और बाय के बाद में मुझे करना होगा किरण। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट निकाला 2 लाख रुपीज, तो यहाँ मैंने कर दिया 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज एक अमाउंट है, 2 लाख रुपए के एक अमाउंट है, और अमाउंट को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए हमने यूज किया वॉस। वॉस के बाद में हमने बींग किया। अब बींग क्यों किया, मैंने अभी बताया है, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी हो तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें बींग का यूज करना होगा, इट्स फिक्स। बींग के बाद में मुझे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, ट्राइड, और ट्राइड के बाद में
टू अर्न। अब आप पूछेंगे अर्न भी तो एमवी है, वो भी तो मेन वर्ब है, उसमें क्यों नहीं यूज किया? तो भाई साहब यहाँ पे टू अर्न क्या, ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद में जितने भी एमवी आती हैं सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती हैं। ओके, तो यहाँ हो गया टू अर्न बाय किरण। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। द टीचर वॉज अलाउिंग मी टू इंटर द क्लासरूम। इंटर बात करता हूँ, इंटर प्रवेश करना, और इंटर एक ऐसी मेन वर्ब है उसके बाद में हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला था कि मेन वर्ब के बाद में जो भी वर्ड मिले मेरा 90% वही होगा ऑब्जेक्ट। अलाउिंग एमवी है, इसके बाद में क्या है ये मी, इसी को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद टू इंटर द क्लासरूम, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो मैंने मी है। अब मी को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर माना गया है, तो आई वॉज अब ये आईएनजी इसमें भी है तो हमें भी यहाँ बीइंग यूज करना होगा। आई वॉज बीइंग और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अलाउड, अलाउड। इसके बाद टू, अब ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया है तो इसको तो मुझे नहीं करना है। टू इंटर द क्लासरूम इसके बाद हो जाएगा बाय द टीचर। आई रिपीट, सबसे पहले मुझे यहाँ का निकालना होगा मी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा आई हो जाएगा। आई पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, मैंने वाज यूज किया, वाज के बाद में हमने बींग यूज किया क्योंकि यहाँ पे आईएनजी गिवन है। इसके बाद में अलाउ का थर्ड फॉर्म अलाउड हो जाएगा, अलाउड टू इंटर। यहाँ पर भी मैंने इसका थर्ड फॉर्म नहीं बनाया है बिकॉज यहाँ इन्फिनिटिव दिया हुआ है, इन्फिनिटिव के बाद में जितने भी मेनर आते हैं सब मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, सब फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू इंटर द क्लासरूम बाय द टीचर। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर डूइंग अलॉट ऑफ वर्क। अलॉट ऑफ वर्क मेन वर्ब मेरा क्या है, डूइंग मेरा मेन वर्ब है और इसके बाद में लिखा हुआ है अलॉट ऑफ वर्क। अब ये क्या है, मेन वर्ब है, मैंने बोला था मेन वर्ब के बाद में जो भी रखा हो उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं 90%। यहाँ पे हो जाएगा अलॉट ऑफ वर्क, इसको मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मैंने किया अलॉट ऑफ वर्क। अब ये अलॉट ऑफ वर्क है, अनकाउंटेबल है, और जब भी अनकाउंटेबल होता है हम उसको सिंगुलर मानेंगे, तो ये भी सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया वर्क। दोस्तों जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस का अगर हमें पैसे बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहेगी, उसी फैमिली से होगी, वॉज वर्ब, या तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इस एम आर में से कोई भी। ओके, अलॉट ऑफ वर्क वॉज, वॉज के बाद में बीइंग, अलॉट ऑफ वर्क वॉज बींग, आईएनजी लगा हुआ इसलिए मुझे बींग यूज करना होगा। डूइंग का थर्ड फॉर्म डन, अलॉट ऑफ वर्क वॉज बींग डन बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों निगेटिव। सबसे पहले मैं निगेटिव के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। ये जो मेरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसी में हमें वॉज वर्ग के बाद में नॉट और नेवर का यूज करना होता है, यही मेरा हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। यहाँ पे वॉज वर्ग है, यहाँ पे मुझे नॉट का यूज करना होगा, ये तो नेवर का यूज करना होगा, यही मेरा बाकी पूरा सेम रहेगा। तो मैं बात करता हूँ कुछ निगेटिव के एग्जाम्पल्स की। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के, तो दोस्तों इनको डिस्कस करते हैं कि उनको हम कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हर पेरेंट्स वर नॉट रिब्यूकिंग हर। रिब्यूकिंग क्या है, रिब्यूकिंग होता है डांटना, फटकारना, इज इक्वल टू स्कोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नॉट है, नॉट तो फिक्स रहता है, नॉट कभी हटने वाला नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हमें से पैसिव बनाना है, आईएनजी है, बीइंग भी लगाओगे, नॉट है, नॉट हटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हर है, हर को चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा सी। सी सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने किया वॉज, सी वॉज नॉट, इसके बाद हमें यूज करना होगा बी। मैंने बोला था नॉट और नेवर का यूज जब भी कभी हम करेंगे तो वॉज वर और बींग के बीच में मुझे नॉट या नेवर का यूज करना होगा। सी वॉज नॉट बींग, रिव्यू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिव्यूड, रिब्यूक्ड बाय हर पेरेंट्स, बाय हर पेरेंट्स।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, रेखा वॉज नॉट गिविंग मी माई बुक. गिविंग मी माई बुक, मी भी ऑब्जेक्ट है और माई बुक भी ऑब्जेक्ट है. दोनों ऑब्जेक्ट से हम इसको चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने बनाया मी से, मी को मैं यहाँ लेके आऊँगा. और अभी मैंने बताया था आई पास्ट टेंस में सिंगुलर है, आई के साथ हमें वाज यूज करना होगा. तो आई वॉज नॉट बींग, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिविन, गिविन माई बुक बाई रेखा. ये मेरा बना मी से. सबसे पहले मैंने किया मी को कन्वर्जन, यहाँ पे आई हो गया. आई सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने वॉज यूज किया. वॉज के बाद में नॉट बींग, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में हमें बींग जोड़ना होता है. बींग गिविन, गिव का थर्ड फॉर्म गिविन. फिर ये हो गया अदरवर्ड, इसको मानेंगे बाई माई बुक बाई रेखा. अगर इस ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं माई बुक से, यदि हम इसको बनाएंगे तब क्या होगा? फोकस हियर. सबसे पहले हमने किया माई बुक, माई बुक के बाद में हमें यूज करना होगा वॉज, क्योंकि ये भी सिमिलर है. माई बुक वॉज नॉट बींग गिवन, गिवन के बाद में क्या हो जाएगा? गिवन. अब टू मी क्या हो जाएगा? टू मी बाई रेखा. अब यहां मी के पहले टू क्यों आ गया? दोस्तों यहां पे जो मी है ये क्या है? ये है लिविंग बींग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो उसके पहले हमें टू यूज करना होता है, इन्फिनिटी टू. ओके, टू प्रीपोजिशन टू. अब बात करते हैं नेक्स्ट. ताहिर वॉज नॉट बार्गेनिंग फॉर बाइक. बार्गेनिंग आईएनजी है, नॉट भी है, वॉज पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वर्ब बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा? वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बींग. ओके, तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा बाइक, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है. तो सबसे पहले हमने निकाला बाइक, बाइक सिंगुलर है इसलिए मैंने यूज किया वॉज नॉट बींग. बार्गेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बार्गेन्ड, बार्गेन. निगोशिएट भी उसका सिनोनिम्स हो जाता है, निगोशिएट बार्गेन्ड. अब ये फॉर यही रखेंगे. और यहां का जब ताहिर मैं यहां लेके जाऊंगा तब क्या होगा? बाई ताहिर. बाइक वॉज नॉट बींग बार्गेन्ड फॉर, ये वाला फॉर यहां बाई ताहिर. बात करते हैं इंट्रोगेटिव. वॉज ही टीचिंग मी इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट. यहाँ पे शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, तो जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तब भी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना होगा. ओके, लेकिन यहाँ पे कब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? जब मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर होगा. यहाँ पे क्या है? मी भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है. इसके पहले हमने मी से बनाया था, अब की बार मैं इंग्लिश से बताता हूँ. इंग्लिश से कैसे बनेगा? इंग्लिश को जब मैं यहाँ निकाल के लाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना होगा? वॉज, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. ओके, वॉज इंग्लिश. अब इसके बाद में क्या यूज करना होगा? बींग. वॉज इंग्लिश बींग, बींग इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे आई एन जी है. जब भी दोस्तों आई रिपीट, जब भी किसी एक्टिव वॉइस में आई एन जी हो तो हमें पैसिव बनाते समय बींग का यूज करना होगा. ओके, वॉज इंग्लिश बींग. अब बींग के बाद में क्या हो जाएगा? टॉट. अब ये जो मी जब इधर आएगा, मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाएंगे उसके पहले टू लगाना होता है. ओके, टू मी बाई हिम. नाउ नेक्स्ट, हाउ वर यू ट्राइंग टू टीच द स्टूडेंट्स मैथ्स. सेम वही सिचुएशन, द स्टूडेंट्स मैथ. द स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैथ क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इससे बनाओगे और ये पीछे जाएगा, इसके ऊपर टू लगाना होगा. और अगर इससे बनाओगे तो टू नहीं लगने वाला है. तो अब इससे बना लेता हूँ. यहाँ का जब द स्टूडेंट निकालेंगे सबसे पहले तो हाउ चेंज नहीं होने वाला, हाउ तो सेम रहेगा. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हम तब यूज करेंगे जब मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट क्लियर होगा. ऑब्जेक्ट क्लियर क्या है? द स्टूडेंट्स. यदि यहाँ पे मैंने किया द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर प्लूरल, सो वी विल हैव टू यूज वर.
जब यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, और जब सिंगुलर होगा तो मुझे वाच यूज करना होगा। इसके बाद यहाँ हमें यूज करना होगा बींग, बींग के बाद में ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, और ये टू टीच सेम होगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव टू है, इन्फिनिटिव टू के बाद में एमबीए की फर्स्ट फॉर्म ही आती है टू टीच। अभी यो बाहर निकाला था इसको, तो क्या बचा यहाँ पे, मैं बाय यू। बात करते हैं दोस्तों लास्ट एग्जांपल की, हु वॉज लीडिंग यू लास्ट ईयर, हु वॉज लीडिंग यू लास्ट ईयर। जहाँ पे शुरुआत में हु लिखा होता है तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हु को हमें चेंज करना होगा बाय हु में। तो सबसे पहले हमने किया बाय हुम, बाय हुम के बाद में हमें यहाँ हेल्पिंग और पुटअप करना होगा। हेल्पिंग और हम यहाँ तब पुटअप कर सकते हैं जब मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट पता होगा, ऑब्जेक्ट है यू, यू का कन्वर्जन यू ही रहता है और यू प्लूरल है। जब यहाँ प्लूरल है तो हमें यूज करना होगा वर, बाय हुम वर यू। अब मुझे यहाँ यूज करना होगा बींग, बाय हुम वर यू बींग, लीड लीड का थर्ड फॉर्म लेड। अब क्या बच रहा है, लास्ट ईयर, मैंने लास्ट में कर दिया लास्ट ईयर एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। बाय हुम, हु की जगह बाय हुम कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा यू है, यू जब यहाँ रखेंगे प्लूरल है, वर यूज कर दिया। इसके बाद में हमने बींग यूज किया है, लीड का थर्ड फॉर्म ब्लेड हो गया, इसके बाद में क्या बच रहा है, लास्ट ईयर। तो दोस्तों आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।